गोविंदम प्रपद्ये हम दीनां जयकारकम् वंदे मुकुंदम अरविंदगदायकार्चम कुंदेन्दुशंखदलनम् शिशिरोपदेशम् इंद्रादिदेवनवंदितपादपीठम् वृंदावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकदुशुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोनिगोपीकुमारम् वंशी विभूषित करान्नवनीयदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति जगजानी करुण प्रणाम जोर जुग पानी। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। भगवान के दर्शन का विषय कल कुछ चला, उसी विषय की थोड़ी सी बातें और करके फिर अन्य प्रश्न का उत्तर देने का विचार है। भगवान का जो सगुण साकार विग्रह है उसके संबंध में दो तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा है ऐसी कि जिसमें भगवान के साकार विग्रह को भी माया के आधार पर ही माना गया है, और जब तक माया का प्रभाव है तभी तक साकार रूप की सत्ता है। वास्तव में उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं। दूसरी धारणा यह है कि भगवान है वही सच्चिदानंद घन एक सत्ता एक रस नित्य सत्य सनातन वही है, पर उनका जो श्री विग्रह है वो श्री विग्रह माइक नहीं है, स्वेच्छामय से अतिभूतमय से कोपी चिदानंदमय देह तुम्हारी जगत विकार जान अधिकारी। भगवान का वो जो श्री विग्रह है वो सच्चिदानंदमय है, वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, हानोपादान रहित है, वो किसी प्रारब्ध कर्मवश उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसका पांच भौतिक
तत्वों से कोई संबंध नहीं है, वो दिव्य भागवत विग्रह है। भगवान का विग्रह ये नहीं कहकर ये कहना चाहिए कि वो भगवान ही है। भगवान के श्री विग्रह का प्रत्येक अणु अणु भगवान है, और इसी धारणा को लेकर भक्तों ने भगवान को भजा और उन्होंने अनुभूति प्राप्त की कि वास्तव में ऐसी ही बात है। तो जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनके भगवान माया आदि निर्मित नहीं है, उनके भगवान अनित्य नहीं है, उनके भगवान कभी बने सो नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया, अजो विसन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन प्रकृति स्वामधिष्ठा संभव आत्म माया। माया के वशीभूत होकर नहीं, आत्माया अपनी लीला से भगवान प्रकट होते हैं, अज रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, सर्वलोक महेश्वर रहते हुए ही। फिर वही भगवान आगे चल के कहते हैं, जन्म कर्म चले दिव्य नेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इनमें भौतिकता का लेश नहीं, कि कर्म जगत की वस्तुएं हैं। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, उस जानने वाले का जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तत्व को जान लेने वाला पुरुष फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, निज को ही पाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को जान लेने से जान लेने वाला मुक्त हो जाता है, उसके जन्म कर्म हम जैसे अज्ञानियों जैसे हों ये बात नहीं। पर भक्तों की दृष्टि में इन सब दलीलों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उनका तो सहज सरल विश्वास है और उनकी अनुभूति है। तो भगवान के दर्शन चाहने वाले ये माने कि भगवान सच्चिदानंद घन भगवत विग्रह है, मायिक विग्रह नहीं। पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि भगवान का जो विग्रह हमारे हमारी आराधना का विषय है, वही भगवान सच्चिदानंद घन अखिल विश्व के रूप में प्रकट है। वो एक भगवान के विग्रह की तो पूजा करे और सब में व्याप्त भगवान का जो तिरस्कार करे, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान कपिल देव के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। तो जो भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर, महादेवी, जो कुछ भी, वही भगवान अखिल विश्व के रूप में प्रकट हैं, वही भगवान सर्वमय हैं और वही भगवान सर्वातीत हैं, वही भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, वही भगवान सर्वगुणातीत हैं। प्राणी मात्र में भगवान की अभिव्यक्ति है, श्री राम मैं सर्व जग जानी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ब्रह्ममय नहीं कहा, श्री राम मैं कहा। सीताराम उनके आराध्य, उनको दिखाई देते हैं प्रत्येक प्राणी में भगवान सीताराम अवस्थित हैं, उन्हीं का वो प्रकट रूप है। वो अपने भगवान को सर्वत्र देखे
और ये सबसे बड़ी मेरी अपनी जो कुछ भी इस विषय में लाभ होने की बात है वो केवल इन तीन बातों को लेकर के ही है। मुझे कहना नहीं चाहिए अपनी साधना के बाद जीव से भगवान के नाम का जाप, भगवान की कृपा पर विश्वास और सब में भगवान को देखना। तुलसीदास महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद के अंत में कहा, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओठ लई है तुलसी पर प्रीत एक, प्रभु मूर्ति कृपा मई। सारे अंग इस पद में उन्होंने अपने सारे अंगों के पहले नाम गिनाए और कौन कौन सा अंग भगवान से हटकर कहाँ कहाँ लगा हुआ ये बताया, और बता करके अंत में कहते हैं कि इस प्रकार से सकल अंग पद विमुख नाथ, हे नाथ मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, मुख ने नाम की ओट ले रखी है और एक विश्वास है तुलसी प्रतीक एक, यही परम साधन, एक विश्वास है भगवान का श्री विग्रह कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो भगवान को सर्वत्र देखना ये भगवत दर्शन करने वाले का एक आवश्यक लक्षण है। एक जगह भगवान को देखे सर्वत्र भगवान को न देखे, भगवान आंखों से ओझल हो जाए तो उसको भगवान का दर्शन ठीक ठीक ठिकाने से हुआ नहीं। और साधक के लिए तो ये बड़ी सुंदर एक आवश्यक बात है कि सब में भगवान को देखे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसमें आ जाएगा और ये विषय भी अपना वही चल रहा। सर्वत्र भगवान को देखने से एक बड़ा लाभ यह है किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब हूँ कासों बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सो, घट घट हूँ विहरों। घट घट में जब भगवान विराजमान है तुम किससे द्वेष करें, किससे बैर करें, किसका अपमान करें, किसको नीचा समझें, किसको बुरा समझें, किसको पापी समझें, किसको दयी समझें। सब में तो भगवान है, सब रूपों में तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब भगवान में है, तो भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से सर्वत्र भगवत भाव करने से अपने आप विनय विनम्रता दैन्य सेवा सौहार्द प्रेम ये सब के प्रति अपने आप होने लगता है क्योंकि सब में भगवान। और ये बड़ी आवश्यक बात है भला, वास्तव में तो राग द्वेष ही हमको बांधने वाले हैं, हमारे ज्ञान धन के लुटेरे। इंद्रिय से इंद्रिय से आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशम आगछेत तौ यस्य परिपंथेनौ। ये परिपंथी हैं, राह के लुटेरे हैं, ये हमारे तमाम विवेक को ज्ञान को लूट लेते हैं और ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में व्यवस्था पूर्वक बैठे हुए हैं। तयोर्न वशमागच्छेत, भगवान ने कहा इनके वश में न होना कभी। तो राग द्वेष दोनों ही परित्याग करने की चीज है, पर राग द्वेष का अगर परित्याग न हो सके तो उनका विषय पलटे। भगवत विरोधी विषयों में भगवत न दिखने वाले अपने भाव से द्वेष करे, उस भाव का नाश करे और सर्वत्र भगवत भाव में राग करे, इसमें आसक्ति करे। क्या कहने भाई, हमको तो भगवान दिखते हैं, आसक्ति हो गई है, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो भगवान सर्वत्र जब दिखने लगते हैं तब तो वास्तव में व्यवहार उसका
स्वाभाविक दूसरा हो जाता है। पर साधक को इस प्रकार की मन में एक निश्चित धारणा करके कि सब रूपों में भगवान है, सबके साथ सब व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ स्नेह का यद्यपि स्नेह बंधन है परंतु सात्विकता के साथ यदि स्नेह का संबंध जोड़ा जाए तो वो बंधन मुक्ति का कारण होता है। जितने भी सात्विक साधन हैं ये बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। पहले सात्विक ज्ञान होता है तब तत्व ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सबके साथ सद व्यवहार करे, सबका सम्मान करे। ये व्यवहार की बात पूछी थी, चार बातें व्यवहार में बड़ी आवश्यक है सबके लिए। करके कोई देख ले, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। प्रत्येक प्राणी सम्मान चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सम्मान चाहता है। अपने अपने दायरे में सभी एक अहम को लिए बैठे हैं, सब सम्मान चाहते हैं। तो किसी का भी अपमान हम करें, वो चाहे बोल न सके हमारे सामने किसी कारण से, पर उसके मन में एक शेर सा जा करके चुभ जाता है कि हाय हाय हमको अपमान सहना पड़ा। ये दुर्व्यवहार, परुषवाच्य, ये दर्प और अभिमान, ये आसुरी संपत्ति के स्वाभाविक सर्वप्रथम लक्षण है। तो इसलिए सबका सबके साथ सम्मान का बताव करे। पर सम्मान खल युक्त न हो, सम्मान कपट युक्त न हो। ऊपर से हम बहुत मीठे बोलें, ऊपर से बड़ी आव भगत करें, बड़ा सम्मान करें और अंदर ही अंदर हम उसका बुरा चाहें या हमारे मन में सम्मान की कोई कल्पना ही न हो, केवल दिखावा हो, तो उस सम्मान से ठीक ठीक हमारी साधना नहीं बनती। जब वो भेद खुलता है तब वो समझता है कि तो हम तो सम्मान के फंदे में पड़े, फंस गए इसकी मीठी मीठी बातों में, इसने तो हमें छल लिया। तो ये इससे बचे। नीतिकार कहते हैं कि परोक्ष कार्य हंसारम प्रत्यक्ष परिवादन वर्गेतादृशम मित्रम सुकुम्भम पयोमुखम। जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा हो और ऊपर से उसके दूध रखा हो मुंह पर, दूध मुहा विष भरा घड़ा। इसी प्रकार जो बहुत मीठे बोलते हैं, बोले ही बचन मधुर जी में मोरा, बड़ा बड़ा मीठा बचन बोलते हैं, बड़ी नम्रता से बोलते हैं। तो नम्रता से बोलना, मीठा बोलना बड़ा आवश्यक होना ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ छल न हो, कपट न हो, दिखावा न हो और मन में हिंसा न हो, द्वेष न हो, क्रोध न हो, तो वो क्या हो, सत्य सम्मान हो, मन में सत्यता हो, व्यवहार में सत्यता हो। तो दूसरा लक्षण ये सत्य है सबकी सेवा करने का और उस सेवा के द्वारा साधना करने का। तीसरी चीज है प्रेम। ये बहुत समझने का विषय है, प्रेम के बाद फिर कभी मौका लगेगा तो हो सकती है, नहीं तो नहीं। प्रेम देना जानता है, काम लेना जानता है। यही काम और प्रेम का एक सार्वभौम स्वरूप है। जहाँ लेना है, लेने की आकांक्षा है, वहाँ काम है, और जहाँ देना है, देने के लिए ही जीना है, वहाँ प्रेम है। आप किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहिए अगर चाहते हो तो उसके लिए त्याग कीजिए और उसको देने में प्रवृत्त होइए। देने का आग्रह करिए तो क्या होगा, उसका प्रेम प्राप्त होगा। त्याग ही प्रेम की भूमिका है, त्याग की भित्ति पर ही प्रेम का प्रासाद खड़ा होता है। तो इसलिए प्रेम देना जानता है, जो देता है। श्री गोपांगनाएं सबसे ऊंची प्रेम की प्रतिमाएं क्यों मानी गई, वो देना जानती लेना नहीं जानती, देना जानती लेना नहीं जानती और देने को लेना मानती, अपने में देने योग्य वस्तु को नहीं मानती और बिना दिए ही वो
वस्तु मुझे दी है ऐसा मान रहे हैं श्री कृष्ण ने, तो ये उनका शील है, उनका सौजन्य है, ये गोपांगनाओं का स्वरूप है। इस पर फिर कभी बात। तो दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है प्रेम, और चौथी चीज है हित। आप चुपचाप हित करते रहिए, किसी का हित करते रहिए, उसे बताइए मत। भगवान आपका बदले में हित करेंगे, और जब उसको पता लगेगा तो वो तो आपका सेवक बन जाएगा। तो इस प्रकार से सब में भगवान समझकर सम्मान, सत्य, प्रेम और हित की भावना से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए।